Okay, and now we've just gotten news that the UPA and the opposition's candidate for the post of president, Meira Kumar, is presently addressing a press conference. Let's go straight in there and listen in. Samanta ka jazba, sangharsh ka sankalp, jinke jeevan ka raasta hai, 17 विपक्षी दलों की देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति पद की साझा उम्मीदवार आदरणीय श्रीमती मीरा कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज की इस पत्रकार गोष्ठी को संबोधित करेंगी. आदरणीय श्रीमती मीरा कुमार जी, मेरा एक अनुरोध फिर रहेगा स्टिल के सब दोस्तों से कि बहुत सारे प्रिंट के साथी बैठे हैं, दूसरे साथी बैठे हैं, कृपया अफरा तफरी का कोई माहौल नहीं फैलाएं. आदरणीय श्रीमती मीरा कुमार जी, धन्यवाद. सूर्यवाला जी, आपने मेरे विषय में जो सुंदर शब्द कहे उनके लिए भी धन्यवाद. नमस्कार आप सबको. आप हमारे निमंत्रण पर आए हैं, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ. पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उससे आप भली भांति परिचित हैं. 17 मुख्य विपक्षी दलों ने श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि राष्ट्रपति के इस चुनाव में मुझे वो अपना प्रत्याशी बनाएंगे. मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझ में यह विश्वास व्यक्त किया है. विपक्षी दलों की एकता समान विचारधारा पर आधारित है, उससे प्रेरित है. लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, समावेशी समाज का निर्माण, प्रेस की आजादी, पारदर्शिता, गरीबी का अंत, जाति व्यवस्था का विनाश, ये मूल्य इस विचारधारा के अभिन्न अंग हैं. और ये मूल मेरे हृदय के बहुत करीब हैं, मेरी उनमें गहरी आस्था है. इसलिए इस चुनाव में मैं इस विचारधारा को ही लेकर चलूंगी, इस विचारधारा पर ही ये लड़ाई लड़ूंगी. दो दिन पहले मैंने निर्वाचक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को पत्र लिखा है, उनसे अनुरोध किया है कि वो मुझे अपना समर्थन दें. उनके सामने ये अद्वितीय अवसर है इतिहास रचने का. ऐसे अवसरों पर सब ओर से ध्यान हटा करके अंतरात्मा की आवाज सुनी जानी चाहिए. मैंने यही विनम्र अनुरोध
उन सब से किया है। बहुत धन्यवाद। Yes, I think for my friends, I should also briefly speak in English. First of all, I want to thank my friends for accepting our invitation to attend this press conference. They are well aware of the developments of past few days. 17 major political parties of opposition under the chairmanship of Srimati Sonia Gandhi have unanimously selected me to be their candidate in the presidential election. The unity and coming together of these political parties is based on their firm ideological position. Democratic values, inclusiveness, social justice, freedom of press, transparency, end of poverty, destruction of caste structure are some of those cherished values which form important component of this ideology. This ideology is very close to my heart. For this very reason, in the coming election, this will be the plank on which I will contest. 2 days ago, I have written letters to all the honorable members of the collegium, requesting them to extend their support to me. This is one of that rare occasion when history is being scripted. And not paying attention to any other consideration, this is the time when one should listen to the inner voice of one's conscience. Thank you. Please raise your hands. I'll send a mic so that we can give questions to everybody. Mohit Dubey. हेलो, मोहित दुबे न्यूज नेशन से हूँ। मैम, मेरा सवाल यह है कि आप बिहार से आती हैं और जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। आप भी दलित हैं, वो भी दलित हैं, बहुत समानता आप लोगों में है। वो उत्तर प्रदेश से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया, गृह राज्य है उनका। आप बिहार से आती हैं, क्या आप भी बिहार से ही अपना प्रचार शुरू करेंगी और नीतीश कुमार से अपील करेंगी, जो जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि विपक्ष का एक कैंडिडेट होना चाहिए, कि वो भूल कर चुके हैं, आपके साथ हैं, आपको समर्थन करें? आपने कई सारे सवाल एक ही सवाल में कर लिए, पांच सवाल, और बहुत से गंभीर मुद्दे भी उठा लिए। कहां से शुरू करूं? मैं समझती हूँ साबरमती से शुरू करूंगी। मैं अपने चुनाव प्रचार के लिए सबसे पहले साबरमती आश्रम जाऊंगी। दूसरी बात है, आपने कहा कि दो दलित आमने सामने हैं। बहुत जगह ये चर्चा हो रही है, बड़ी जोर से ये बात उठी है आंधी की तरह कि दो दलित आमने सामने हैं, देश के सर्वोच्च पद के लिए। खुशी की बात है कि बात उठ रही है, क्योंकि फिर जो समाज की असलियत है वो सामने आ रही है। हम ये आकलन करने में आसानी महसूस कर रहे हैं कि
समाज किस तरह सोचता है। इससे पहले जब इस उच्च पद के लिए चुनाव हुए तो उसमें अनेक बार दोनों तरफ से तथाकथित उच्च जाति के प्रत्याशी थे, मगर उनकी जाति की चर्चा कभी नहीं हुई। उनके गुणों की, उनकी क्षमता की, उनकी योग्यता की, उनकी उपलब्धियों की चर्चा हुआ करती थी। मुझे याद नहीं है कि कभी उनकी जाति की चर्चा हुआ करती थी। Okay, the opposition's presidential candidate Meira Kumar, who just recently joined Twitter as well, all set to give a fight to the NDA's presidential candidate Ramnath Kovind. There she was addressing a press. The press will go straight there and listen into what she's saying. Sabhi ne, bina kisi apvaad ke, sabhi ne, chahe wo pratipaksh ke ho, chahe vipaksh ke ho, sabhi ne मेरी कार्यशैली की सराहना की थी। मैं आज भी उनकी कृतज्ञ हूं। किसी ने भी यह आरोप नहीं लगाया था कि मेरा कार्य करने का ढंग पक्षपातपूर्ण था। एक मेरा आप सबसे अनुरोध है, एक सवाल ही अगर एक मित्र पूछेंगे तो हम कई दोस्तों को, अगर एक मित्र पांच सवाल पूछेंगे तो फिर कई दोस्तों को मौका नहीं देगा। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, टोटल न्यूज से हूँ मैं। मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपने जवाब भी दिया, थोड़ा उसे आगे बढ़ाते हुए, दलित वर्सेस दलित एक बड़ी चर्चा देश में आपकी उम्मीदवारी के बाद शुरू हुई है, और अगर बात करें तो अलग अलग हिस्सों में देश के, खासतौर से उत्तर प्रदेश में दलित हिंसा को लेकर कई ऐसे वाक्य रहे हैं जिसके जरिए बड़े सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में आपकी उम्मीदवारी और दलित हिंसा को लेकर अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या कहेंगे आप? ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। वी शुड हैंग आवर हेड्स इन शेम इवन इफ देयर इज वन इंसिडेंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित्स और वीकर सेक्शन। कि आज भी हमारे देश में दलितों पर, कमजोरों पर, दबे हुए लोगों पर, हाशिए पर रहने वाले लोगों पर अत्याचार होता है, और यही मेरी लड़ाई है। मैं जो कह रही हूं कि मैं जिस विचारधारा के लिए लड़ रही हूं, जिस आइडियोलॉजी के लिए लड़ रही हूं, मैंने शुरू में ही कहा था जाति व्यवस्था का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो ये हमारी लड़ाई है। मगर इसको अगर आप सोचें कि मैं दलित हूं तो दलित होने के नाते सिर्फ मेरी लड़ाई है, ऐसा नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है ये। कैन वी गो टू आवर फ्रेंड फ्रॉम मलायम मनोरमा थॉमस डोमिनी? Meera ji, you have appealed to the members of the electorate to vote according to their conscience and listening to their inner voice. Ours is a politically divided nation. How far relevant is that appeal? How do you think that appeal is relevant in a politically divided nation? It's all the more relevant. And politically, in politics, there are always different ideologies. Some ideology is benefiting the weakest and the most suppressed. Something for them. I am with the first one. And that is why it becomes imperative that I should appeal to the voice of conscience. Meera ji here, you just said that your candidature and the candidature of Mr. Kovind, both being Dalits, reflects the societal mindset.
But the fact of the matter is, we all saw during opposition parlays that the very fact that you were nominated was perhaps because you come from a particular caste. Because Mayawati, who's the BSP chief, had openly declared that only if a Dalit of a higher stature is declared as a candidate will she support you. So even within your own supporter group, there is this very strong caste bias. So how do you address that? Because Mayawati had raised this point first. Well, this is the election for the highest position in the land. And although its process of electing is political, the post itself is apolitical. For this post, in my opinion, there should be no one-upmanship of caste. I don't think the caste identification should play a role. मीरा कुमार जी, जिस तरीके से जब से आपके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, उसी दिन से तमाम तरीके के वित्तीय अनियमितताओं के आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तमाम कागज आरटीआई के जरिए सामने आ रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने घर का पुराना किराया बकाया है, तमाम और चीजें हैं आपके पिताजी को लेकर के, आपने बंगले पर कब्जा किया, तो इन आरोपों पर अब आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप राष्ट्रपति की उम्मीदवार बन गई हैं और आरोप लगातार सामने आ रहे हैं? ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और हमारी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। आपने बंगले का सवाल उठाया, वो सरकार ने एक सरकारी प्रतिष्ठान को दिया है, सरकार ने सरकारी दफ्तर के लिए दिया है। और जहां तक आपने कहा कि और आरोप है, कुछ बताया कि तो वो सब निपटाए जा चुके हैं, सारे नियमों को और कानूनों को ध्यान में रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे समय उसे पब्लिक डोमेन में जनता को सूचित करते हुए उन्हें निपटाया गया है। Okay, let's go straight across now to Supriya Bharadwaj. Supriya, we've been listening to Meira Kumar, who is the consensus opposition candidate, readying herself to put up a fight to Ramnath Kovind, the NDA's presidential candidate. She speaks on a host of issues. She talks about, standing up for the freedom of press, for equality and for social justice. Very interesting points that she raises at a time when the opposition parties have claimed that she has been chosen because of her very strong credentials and not the Dalit status. It is really interesting that we are in symbolic fight, but they are going all out to play to the optics. Not just because of her being a Dalit that this decision was taken. She has
Okay, so Priya, we'll just fix your audio. We're just having a bit of an issue there, but we are listening in to Meira Kumar, who has been speaking, and she's been taking a lot of questions from the press. This is probably the first time that she is, you know, taking questions from journalists, and she's answering to all of that questions. She is the consensus opposition candidate, preparing herself for the big fight for the upcoming presidential polls. She is pitted against Ramnath Kovind, who is the NDA's presidential candidate.